बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ मिश्रा और आज मैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करने वाला हूँ। तीन क्लास मेरी हो चुकी है, आज की चौथी क्लास है, उसके बाद से पांचवी क्लास होगी, उस पर डिस्काउंट पढ़ाएंगे आप लोग को। मैंने कहा कि आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको हर तरह के प्रश्न मिलेंगे, हर तरह के प्रश्नों का श्रृंखला मिलेगा, बेसिक से बेसिक, वहाँ से मैं बेसिक क्लियर करूँगा प्रश्नों के साथ, और आपको दिक्कत नहीं होगी। बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत मन से पढ़ रहे हैं, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सब मन से पढ़ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा। तो जब सबको समझ में आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि सब बच्चे मन से पढ़ रहे हैं। तो आ जाइए, अगर फीस की प्रक्रिया अगर आपको पूरी करनी है नहीं कर पा रहे हो तो मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, मैं पर डे बताता हूँ। हमारी फीस है मात्र 499 रुपये। आप सोचो 499 में कौन पढ़ाता है यार, मेरे दोस्त 499 में कौन पढ़ाएगा आपको, कोई नहीं पढ़ाता। अध्ययन एकेडमी आपको पढ़ा रही है 499 रुपये में, और क्या क्या पढ़ा रही है, पूरी SSC कोर्स पढ़ाएगी, पूरी दरोगा पढ़ाएगी, पूरी लेखपाल पढ़ाएगी, पूरी SSC GD, यानी जो पढ़ना चाहते हैं, SSC में पढ़ना चाहते हैं तो आपको 499 जमा करना पड़ेगा, दरोगा पढ़ना चाहते हैं तो 499 जमा करना पड़ेगा, लेखपाल पढ़ना चाहते हैं तो 499 जमा करना पड़ेगा, SSC GD पढ़ना चाहते हैं तो 400। ये चारों कोर्स के लिए एक विकल्प आपको चुनना पड़ेगा, एक विकल्प चुनते हैं तो 499 रुपया, दो विकल्प चुनते हैं तो 499 × 2, तीन विकल्प चुनते हैं तो 499 × 3, और चार विकल्प चुनते हैं तो 499 × 4, यानी केवल एक विकल्प के लिए 499 रुपया फीस रखी गई। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो घर पे हैं, एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, फ़ोन करें कि सर घर पे एडमिशन कैसे नहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं उनको बच्चों बता दूँ फिर से बार बार कि पेटीएम यार, मोबाइल चलाते हो ना, एंड्रॉयड से चलाते हो, आपके इस समय तो रिक्शा वाला भी एंड्रॉयड से चला रहा है, तो तुम लोग भी चलाते हो अगर। हाँ, एक बात हो गई कि सर मैं गूगल पे नहीं कर पाता, फ़ोन पे नहीं कर पाता, पेटीएम नहीं कर पाता, तो मैं बार बार कहता हूँ किसी भी साइबर कैफे में चले जाइए, ये नंबर है उसको दीजिए कि भैया इसको पेटीएम करना है, गूगल पे करना है, फ़ोन पे करना है, यानी इस पे करना है। अगर आपको दिक्कत हो रही तो बैंक अकाउंट नंबर मांग लो यार, उसमें डाल दो आप लोग 499 रुपये। लेकिन ये फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे आप कर सकते हो, और करने के बाद जो आपका स्क्रीनशॉट मिलेगा ना, उस स्क्रीनशॉट को क्या करोगे, उस स्क्रीनशॉट को 9935 एक नंबर दी गई है, 99, देखो आपके सामने नंबर होगा, ये आपके सामने नंबर है 9935585777, ये नंबर है, इस नंबर पे आपको उसको मैसेज करना, व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप करोगे और ये बता करोगे कि सर मुझे SSC में लेना है, मुझे लेखपाल में लेना है, दरोगा में लेना है, या तो आपको SSC GD में लेना है, यानी चारों ऑप्शन में से किसी को बताओगे तो आपको एडमिशन दी जाएगी, कहाँ आपकी क्लास चलेगी, कैसे क्लास चलेगी, PDF कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, और किसी को कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। चलिए, हमें मुकद्दर का सिकंदर बनना है मेरे दोस्त, मौके का फ़ायदा उठाना है, और मैं जो जो व्यक्ति मौके का फ़ायदा उठा लेता है वो दुनिया में कुछ बेहतर कर जाता है। पर डे कुछ ना कुछ करने का प्रयास करो, पर डे कुछ ना कुछ करने का प्रयास करो, अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करो। कहा जाता है शिक्षा बहुत कड़वी चीज़ होती है, शिक्षा बहुत कड़वी चीज़ होती है, लेकिन जब लोगों को निखारती है ना तो बड़े बड़े देखते रह जाते हैं। शिक्षा में इतनी ताकत होती है कि पूरा साम्राज्य बदला जा सकता है, शिक्षा में इतनी ताकत होती है कि पूरा साम्राज्य बदला जा सकता है। चाणक्य की शिक्षा में इतनी ताकत थी कि घराना उनको पूरा ख़त्म करके चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया। तो शिक्षा में बड़ी ताकत होती है मेरे दोस्त, शिक्षित रहो, पढ़ते रहो, और अपने आप को कहीं भटकाओ मत, किसी की बात मत सुनो, अपने आप पर काम करो, बाकी का कुछ नहीं है। चलो आ जाओ, आज श्रृंखला शुरू करते हैं हम लोग, क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू करेंगे, हम लोग क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू करेंगे और मज़ा आने वाला है श्रृंखला में, बहुत बिंदास। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको हम देंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो चार टू प्रश्न आपको हम देंगे, और उस प्रश्न को आपको बनाना है कि आप मुझे आंसर करोगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, उस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। उस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और आप मुझे बताने का प्रयास करोगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। जो मेरे भाई बंधु पढ़ रहे हैं, जो मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं, जो मेरे कलीग पढ़ रहे हैं, जो मेरे छोटे भाई पढ़ रहे हैं, जो बड़े भाई पढ़ रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि इस कोरोना महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, और किसी भी प्रकार से किसी से लेन देन ना करें, और आवाजाही जो है उसको बंद कर दें। शादी ब्याह का मौसम है, जीवित रहेंगे तो बहुत शादी ब्याह देखेंगे मेरे दोस्त, बहुत शादी में जाएंगे और बहुत नौता करेंगे, बहुत मिठाई खाएंगे जब जिंदा रहेंगे तो अपने आप को सेफ रखने का प्रयास करिएगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं आप उसे, बस पढ़ते रहिए, घर में बैठ के मोबाइल से पढ़ते रहिए, बाकी किसी से कोई लेन देन नहीं रखिए। एक क्लास को, एक वीडियो को 10 बार 15 बार देखो,
जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए इन तरह के क्वेश्चनों को लगाओ, किताब खोल लो, अध्ययन एकेडमी की बुक आपके पास होंगी, किताब खोल लो, लगाओ, प्रयास करो। कैसे नहीं होगा, होगा ज़रूर होगा। आई एम द बेस्ट, इतना सोच लो दुनिया का सबसे बेस्ट बंदा मैं हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो लोगों ने किया, उससे बेहतर कर सकता हूँ, तो आप शायद कर लोगे। एक प्रश्न जो है पूछा है कहाँ पे, एक प्रश्न पूछा है SBI कलर्क 2011 में। कहाँ पूछा गया भाई? SBI कलर्क 2011 में प्रश्न पूछा है। बोला है क्या है, सुहास ने एक वस्तु को 7500 रुपये में बेचकर 25% की हानि प्राप्त की। एक स्टेटमेंट ये हो गया, कहा 25% का लाभ कमाने के लिए, 25% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचनी थी। इसका मतलब उसको उसके अंदर लालच जग गई। जब उसने 7500 में वस्तु बेची तो देखा कि मुझे कितने की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है। अब उसके अंदर लालच जगी, कहा कि मुझे 25% का लाभ चाहिए, और लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। कह रहा है कि 25% का लाभ उसको चाहिए, तो वस्तु को कितना बेचेगा। तो शायद मैंने कल आपको बताया था कि दो तरीके बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना। जब उसने 75 समय बेचा तो 25% की हानि हुई, यानी 75% उसको मिला। उसका क्रय मूल्य का कितना मिला, 75% मिला, कोई दिक्कत नहीं। क्रय मूल्य 100 मानते हैं हमने कहा, तो उसकी जो सेल प्राइस है, उसकी सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस है ए। हमने कहा कि उसकी सेल प्राइस ये है, परसेंटेज रेट इतना है। तो हमने कहा कि भाई कुछ भी मानते हैं तो 100 मानते हैं, 100 मान के ही हम लोग काम करते हैं। तो हमने कहा 75% मतलब कितना, 75 तो यहाँ कितना मिल गया, 100। इसमें 00 100 से गुणा कर दोगे तो कितना मिलेगा, 10,000। यानी 100% की वैल्यू कितनी हो गई मेरे दोस्त, 10,000। अगर पूछा हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, उसका क्रय मूल्य कितना होता, तो कितना हो जाता, 10,000। बात समझ में आ रही, मेरी बात समझ में आ रही, तो हाँ बोल दो एक बार। अब बोला है कि उसको लाभ कितना चाहिए, वस्तु भी कितने का लाभ चाहिए, 125% की। हमने कहा 100% की वैल्यू अगर इतना है, मुझे चाहिए कितने की, 125% की। कितने चाहिए, 125% की चाहिए, ठीक। अगर 100% की वैल्यू इतना है तो 125% की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं 75% की वैल्यू 7500 थी, 1% की वैल्यू 100 थी, तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे, इसमें हम 100 से 100 में, यानी ये वाला 100, ये इस वाले 100 से, ये कहाँ से निकला है, 7500 में से निकला है, गुणे कितना मेरे दोस्त, 125। तो हम कह सकते हैं जो वैल्यू बनेगी 125,000 12,500 बचेगी। कितनी बनेगी, 12,500 बनेगी। यानी ऑप्शन कौन सा बन रहा है, बी वाला बन रहा है। अब सोचो, बात समझना, कुछ है नहीं प्रश्न में, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। आप जितना मन करे, जितना आसानी से हो सकता है उतना आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हो, बस समझने का प्रयास करना। और मैंने तरीका आपको क्या बताया था, और तरीका मैंने ये बताया था कि अगर बच्चा, अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरीके से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं कट पा रहे हैं, तो आपको तरीका एक और मैंने बता दिया। वो तरीका क्या है, वो तरीका यह है, कल की क्लास में, परसों क्लास में, पर डे क्लास में बता रहा हूँ, कहा कि सेकेंड वाला सेल प्राइस निकालना है, सेकेंड वाला सेल प्राइस निकालना है, जो लास्ट वाले पूछा गया है, वस्तु कितने में बेचनी चाहिए, लास्ट वाला सेल प्राइस निकालना है। सेकेंड वाला सेल प्राइस बराबर फर्स्ट वाला सेल प्राइस, सेल प्राइस फर्स्ट यानी विक्रय मूल्य फर्स्ट, इनटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, यानी हानि होगा तो हटाएंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे, अपॉन 100 प्लस, बात समझ में आ रही है, 100 प्लस लाभ या हाँ नहीं, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, लेकिन इस फॉर्मूले को भी रखने के लिए तरीका बताया था। ये 7500 के साथ है तो 25% का, वो जो 7500 के साथ, यानी जो पहले जो सेल प्राइस के साथ लाभ हानि है उसको नीचे रखेंगे, जो कंडीशन वाला है उसको जितना चाहिए उसको ऊपर रखेंगे, उसे कितने का लाभ चाहिए भाई, 25% का। तो हमने कहा सेल प्राइस आपका 7500 है, 25% का लाभ चाहिए तो कितना होगा, 125। 25% की हानि हुई मतलब कितना होगा, 75। ये 75 से काटा कितनी बार में भाई, ये 100 हो गए, ये हो कितना, 12,500। आप कहोगे सर सबसे बेहतर तो यही है, सबसे बेहतर हमारा यही है ये वाला। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको दिक्कत, अब सोचो अब क्या करना है आपको, एक क्वेश्चन पर इतना टाइम लेने का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रॉफिट लॉस का प्रश्न है, ऐसा प्रॉफिट लॉस के प्रश्न है, ऐसा एक प्रश्न है
अगर 10 पेपर होते हैं, अगर 10 तो एसएससी के पेपर होंगे, एसएससी के 10 पेपर अगर होंगे, तो सात पेपर में इस टाइप के इस पैटर्न से क्वेश्चन बनाया जाएगा। सातों पेपर में मतलब 70% प्रोबेबिलिटी रहती है आने की, यानी 70% आशा होता है कि एक प्रश्न हमारे एग्जाम में आएगा। चाहे एसएससी के प्रश्न की बात कर रहे हो, चाहे बैंक की बात कर रहे हो, चाहे बैंक की बात कर रहे हो, चाहे रेलवे की बात कर रहे हो, चाहे आप किसकी बात कर रहे हो, चाहे लेखपाल की बात कर रहे हो, चाहे दरोगा की बात कर रहे हो, लेखपाल की बात कर रहे हो या दरोगा की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, दरोगा की बात कर रहे हो, तो क्या होता है कि अक्सर एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनाए जाते हैं, तो इस पे आपको फोकस करना है कि अब क्या करना, आपको घर पे जाना है, कम से कम 10 क्वेश्चन इस पे खोजना है। घर पे तो हो ही, आपको 10 क्वेश्चन खोजना है, 10 क्वेश्चन खोज के डेटा कुछ भी हो बनाना है आपको, बस ये काम करना। यानी एक पैटर्न पे 10-15 क्वेश्चन तो मैंने ही करा दिया है, लेकिन आपको फिर 10 क्वेश्चन खोजना है, चाहे वो किरण पब्लिकेशन की बुक हो, चाहे अध्ययन अकेडमी की बुक हो, चाहे आपके स्पार्क की बुक हो, चाहे किसी की बुक हो, मैथ की बुक आपके पास रखी हो, आप 10-12 क्वेश्चन खोजिए, टनाटन टनाटन बना लीजिए। ये पैटर्न आपका क्लियर होना चाहिए, ये पैटर्न जो होगा आपका क्लियर होना चाहिए, डेटा कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइए प्रश्न नंबर दो पे, कह रहा है एक साइकिल, बात समझिएगा, एसएससी सिजल 2014 में पूछा गया। कहाँ पूछा गया मेरे दोस्त? एसएससी सिजल 2014 का प्रश्न है, और क्या पूछा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोला है एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेच देता है। एक साइकिल को बी को कितने परसेंट लाभ पर बेच देता है? 20% लाभ पर बेच देता है। ए है, कभी कभी मार्कर भी नाराज हो जाता है ना, कहता है कि हमारी आप तारीफ करते नहीं हो, कितना बढ़िया चलते हैं हम। ए जो मान लेते हैं, ए साइकिल को एक्स में खरीदा होगा और बी को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 20% के लाभ पर बी को बेच देता है। किसको बेच देता है? बी को बेच देता है। बी सी को 25% हानि बेच देता है। बी जो है सी को 25% हानि बेच देता है। बी को मान लीजिए वाई मिला होगा, बी ने सी को 25% की हानि पर बेच दिया। कितने की हानि पर बेच दिया? 25% की हानि बेच दिया सी को, और सी ने इसके लिए कितना रुपये पे किया है? ₹20 पे किया है। बात समझिएगा, तो पूछा है ए की लागत क्या होगी, ए की लागत क्या होगी। इन तरह के प्रश्नों के लिए मैंने पिछली क्लास में 3-4-5 क्वेश्चन डिस्कस किया था, और आप इन तरह के प्रश्नों के लिए आप घर पे जाइएगा और घर पे जाके इत्मीनान से 4-5 क्वेश्चन खोजिएगा और बनाइएगा। देखिए, पढ़ने का इरादा अगर आपके अंदर हो, पढ़ने की जुनून आपके अंदर हो, पढ़ने की क्षमता अगर आपके अंदर हो, पढ़ने की लालच आपके अंदर हो, तो आप ज़रूर बनाओगे ऐसे प्रश्नों को खोज खोज के। कितना? 5 प्रश्न बना लेना। कितना प्रश्न बना लेना? 5 प्रश्न बना लेना, बाकी काम खत्म। मैंने कहा कि ऐसे प्रश्नों को बनाना हो, कुछ भी कंडीशन दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले को 20% लाभ पर बेचा, तो हमने कहा 20% लाभ पर बेचा मतलब 120/100 कितना है? सिंपल सी बात, 120/100। 25% की हानि बेचा, 75/100 कितना? 75/100। और सी ने इसके लिए कितना पे किया था? सी ने इसके लिए ₹20 पे किया था। बात खत्म हो गई। हमने कहा 5, 6, 20 से काटेंगे, 6 हो जाएगा और कितना होगा? 5 हो जाएगा। हमने कहा 25 × 75, 25 × 100 ये 18/20 हो जाएगा। कितना होगा? 18/20। 18/20 बराबर कितना होगा मेरे दोस्त? 30 हो जाएगा। हमने कहा 9, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 10p बराबर कितना हो जाएगा? 10p बराबर हो जाएगा 9, इसी में दिया हुआ है। p बराबर हो जाएगा 9/ कितना होगा? 9/ कितना होगा? 10 हो जाएगा। ऑप्शन दोस्त वही था मेरे दोस्त, गड़बड़ हो रहा है क्या? सॉरी यार, एक चीज़ गड़बड़ यहाँ पे हो गई है, ए इक्वल टू में नहीं रहेगा मेरे दोस्त, इक्वल टू में नहीं रहेगा ये, थोड़ा सा एक मिनट गलती यहाँ पे हो गई, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा मिस्टेक पूरा क्वेश्चन को ले जाता है। हमने कहा कि 20% की लाभ पर बेचा मतलब 120/100 कितना?
20% के लाभ पर बेचा है, इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? बीस परसेंट लाभ पर बेचा है तो कितना होगा, 120 बटे में कितना होगा, 120 बटे में हो जाएगा 100। और 25% हानि बेचा है, 75 बटे में कितना होगा, 75 बटे में 100। सी ने उसके लिए कितना पे किया है, पी रुपया पे किया, बस इतना काम करना है, बस बाकी कुछ नहीं, पी की वैल्यू याद करनी है। हमने कहा 6 हो गया, ये 5 हो गया, कितना हो गया 6, 5 हो गया, 25 या 75, 25 चौका 100, ये 18 पी बटे में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 हो जाएगा। हमने कहा पी बराबर जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 20 बटे में कितना हो जाएगा, 20 बटे में 18 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 10 बटे में कितना होगा, 10 बटे में 18 हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग यार प्रश्न में? प्रश्न तो मेरा पहले वाला भी सही था। आइए, कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे दोस्त, लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे मेरे भाई। चलो यार, दिन आज प्रश्न का ही है, गड़बड़ कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे ऑप्शन को भी तो देखना है। 120 बटे में कितना हो जाएगा, 120 बटे में 100 हो जाएगा, गुणे 75 बटे में कितना हो जाएगा, 75 बटे में 100 हो जाएगा, बराबर पी, हमने कहा 6 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, लास्ट बार देख रहे हैं 25 से 75, 25 का कितना होगा 100, ये 18 बटे में कितना हो जाएगा 20 पी, 18 बटे में 20 कितना होगा पी होगा, हमने कहा 18 बटे ये कितना हो जाएगा भाई मेरे दोस्त, ये 18 बटे में कितना हो जाएगा मेरा 20 पी। अगर बात किया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि वाली वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, ए हो जाएगी हमारी, अगर पी देखा जाए तो ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो 20 पी, ये हो जाएगा 20 पी बटे में कितना होगा 18 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 10 बटे में 9 पी। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, बस थोड़ा सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिस्टेक हो रहा था, बाकी और कुछ नहीं। ये ऑप्शन कितना होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन हो जाएगा 10 बटे में 9 पी, यानी कौन सा होगा 10 बटे में 9 पी, ये वाला ऑप्शन आपका बनेगा। यार कभी कभी क्या होता है ना कि इन तरह के कई प्रश्न कराया मैंने अपने आपके पिछले पेपर में, इस तरह के बहुत से प्रश्न कराया मैंने। चलिए बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा है, अगला प्रश्न हमारा ये बोला हुआ है कि यदि कुल वस्तुओं का ये शेष हटा दो मेरे दोस्त, कुल वस्तुओं का 60% को 50% हानि बेचा गया था, शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया है, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। एसजीएल एसएससी 10+2 2018 में प्रश्न पूछा गया, कहाँ पूछा गया, 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो सिंपल सी बात मेरे दोस्त, अगर मैंने कहा कि कुल टोटल वस्तु कितना हो, टोटल जो हो कितनी वस्तु हो, 100 वस्तु हो, कितनी वस्तु हो, 100 वस्तु हो, इसमें कह रहा है कि 60% को 50% के हानि पर, यानी इसका जो 60% है इसको बेचा गया 50% के हानि पर, इसका जो 50% है इसको बेचा गया किसी हानि पर, इसको बेचा गया है 50% के लाभ पे, इस पर 60% की हानि बेचा गया है, 60% को 50% की हानि पे, 60% का 50% कितना होगा 30%, यानी 30 हो जाएगा, यानी घटा दें कितना होगा 30 हो जाएगा। और ये बता दो कि इसको बेचा गया 50% के लाभ पे, अगर बेचा गया 50% के लाभ पर बेचा गया है तो 50 का 50 कितना होगा 25, यानी 25 हो जाएगा, 50 कितना होगा 75 हो जाएगा। हम देखा कि 30 75 कितना हो जाता है मेरे दोस्त, तो कुल हानि का प्रतिशत क्या होगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, शेष वस्तु बचेंगे 40, सॉरी यार शेष वस्तु कितने बचेंगे यहाँ पे, आज मिस्टेक हो रहा है क्या यार, आज लग रहा है कि मिस्टेक का दिन है क्या आज,
शेष कितना मेरे वस्तु, शेष है 40, शेष कितना है 40% है भाई। 60 वस्तु को बेचा है 50% नुकसान पे, 40 बचेगा, 40 को बेचेगा 50% के लाभ पे, 40 का 50% कितना होगा मेरे दोस्त, 20 हो जाएगा, 40 कितना होगा 60 हो जाएगा, 60% प्लस 30% बराबर कितना मिला, 90% मिला। यानी कह सकते हैं कि बताओ 90 टोटल था, 100 रुपये मान लो एक मेक बेचता है तो 100 और क्या कितना बचा है 90, तो कितने की हानि हुई 10% की, कितने की हानि हुई भाई 10% की हानि हुई। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ इस प्रश्न को, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। कह रहा है जो क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है कि मान लीजिए उसके पास कितनी वस्तुएं हैं, टोटल वस्तुएं कितनी है 60, 100 है, टोटल वस्तुएं कितनी है 100 वस्तुएं, एक वस्तु को 1 रुपये में बेच रहा होगा, एक मान लेते हैं हम लोग, सपोज दैट मानो एक मान लेते हैं एक वस्तु को 1 रुपये में बेच रहा है। अगर एक हमने मान लिया तो हमने कहा कि टोटल वस्तु 60 है, इसके 60% को, इसको इसके 60% को, इसके 60% को बेचा गया, किसकी हानि पर बेचा गया 50% की हानि बेचा है, 60 का 50% हो जाएगा 30, बेचा गया तो कितने में बेचा गया 30 रुपये में बेचा गया। अब इसके बचे 40%, 40% को बेचा गया है कितने हानि, कितने लाभ पे 50% के लाभ पर बेचा गया है, तो 40 का 50% 20 हो जाएगा, बेचा गया कितने में 60 में बेचा गया, ये 60 हो गया और ये कितना हो गया भाई 30 हो गया, 60 हो गया कितना हो गया 30, कुल 90 में बेचा गया, 100 में था 90 में बेचा गया, तो कितने की हानि हो जाएगी 10 की हानि हो जाएगी, कितना परसेंट हो जाएगा भाई 10% हो जाएगा। आ जाओ अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न देखिएगा, इसको बनाने का प्रयास करिएगा, इस प्रश्न को कहाँ पूछा गया है। ए प्रश्न आपके सामने है तो मैं बता दूं कि बोला है कि राहुल हेलमेट 1232 रुपये प्रति की दर से बेचता है, उसे एक पर 12%, दूसरे पर 12% की हानि होती है, तो कुल सौदे में हानि प्रतिशत क्या होगा, कुल सौदे में हानि प्रतिशत क्या है, पूछा है कि कुल सौदे में जो हानि का परसेंटेज होगा वो कितना होगा। तो मैं बता दूं, यहाँ पे एक थोड़ा नोट लिखवा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे नोट लिखवा दूँ कि दो वस्तुओं का क्रयमूल समान हो, मैं नोट लिखवा रहा हूँ, थोड़ा नोट लिख लेना आप लोग नोट, दो वस्तुओं का क्रयमूल समान हो, सॉरी बस दो वस्तुओं का क्रयमूल, दो वस्तु का सीपी समान हो एक पर एक्स परसेंट का लाभ, दूसरे पर एक्स परसेंट की हानि हो तो कुल सौदा में न लाभ होगा न हानि होगा। एक पहला नोट ध्यान रखिएगा, यानी कह रहा है कि जब दो वस्तुओं का क्रयमूल समान हो, देखो क्रयमूल समान हो, हमने क्या दो वस्तुओं का सीपी समान हो, जब दो वस्तुओं का क्रयमूल समान होगा तो न लाभ होगा न तो हानि होगा, लेकिन यहाँ पर विक्रयमूल समान है, यहाँ पर क्या है विक्रयमूल समान है, जब दो वस्तुओं का क्रयमूल समान हो, लेकिन जब यहाँ पे ये बोल दे कि दूसरा नोट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे नोट मैं नोट नंबर 2 लिख रहा हूँ, जब दो वस्तुओं का क्या हो, दो वस्तुओं का विक्रयमूल समान हो, दो वस्तुओं का विक्रयमूल समान हो एक पर एक्स परसेंट का लाभ दूसरे पर एक्स परसेंट की हानि हो तो कुल सौदे में एक्स स्क्वायर बटे में 100% की हानि होगी, क्या होगी हानि होगी, कुल सौदे में एक्स वाई पर हानि होगी। यानी जब दोनों को ध्यान देखना, दोनों को थोड़ा सा नोट कर लेना आप लोग, अगर समझ में ना आया तो पूछ लेना बार बार। हमने कहा जब दो वस्तुओं का सीपी समान होगा, जब दो वस्तुओं का क्रयमूल समान होगा, जब ही क्वेश्चन आपका देगा कि दो वस्तुओं का क्रयमूल समान है, एक पे एक्स परसेंट का लाभ हो रहा है, दूसरे पे एक्स परसेंट की क्या हो रही है हानि हो रही है, यानी हानि और लाभ का परसेंटेज आपस में बराबर हो, तो जब क्रयमूल समान होगा तो न लाभ होगी न तो क्या होगी, न लाभ होगी न तो हानि होगी। दूसरा, जब दो वस्तुओं का विक्रयमूल समान हो, क्या समान हो विक्रयमूल समान हो, क्या मेरे दोस्त
जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य जब समान हो, जब विक्रय मूल्य समान हो, एक वस्तु पर एक्स परसेंट का लाभ हो रहा है, दूसरे वस्तु पर एक्स परसेंट की हानि हो रही है, तो कुल सौदे में एक्स स्क्वायर बटे में 100% की क्या होगी, हानि होगी। दो वस्तुओं को इतने रुपये प्रति वस्तु से बेचता है, इनसे कोई लेना देना हमको नहीं। ये डेटा कुछ भी दे कोई फर्क नहीं पड़ना है, परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज 12 का क्या करेंगे हम लोग, ये कहेंगे 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो हम कह सकते हैं 144 बटे में कितना होगा, 144 बटे में हो जाएगा हमारा 144 बटे में 100 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं आंसर होगा 1.44%। 1.44% की क्या हो जाएगी, हान होगी, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोनों को ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक पे आर प्रश्न का लाभ, एक पे आर प्रश्न की हानि हो तब। आ जाओ अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न सेम है, दूसरा प्रश्न 2018 में पूछा गया, दूसरा प्रश्न कहाँ पूछा गया, SSC 10 प्लस 2 2018 में पूछा गया। पहला वाला प्रश्न कहाँ पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था 10 प्लस 2 में, दूसरा 2018 में पूछा गया है, यानी 6 साल का गैप है दोनों प्रश्नों में। यहाँ पे क्या पूछा, हानि में रुपया पूछा है कि हानि में रुपया क्या होगी। तो आपको मैं बता दूँ, हानि में रुपया पूछा हुआ है तो सिंपल सा फंडा अपनाइएगा कि अगर हानि में रुपया पूछा, अगर हानि में रुपया पूछ लिया अगर आपसे, तो आप कहिएगा बताओ कि एक वस्तु को 1232 में बेचा है, दूसरे वस्तु को कितना बेचा है, 1232 में ही बेचा होगा, और एक पे 12% का लाभ, दूसरे पे 12% की हानि हुई, तो कुल सौदे में कितने परसेंट का हानि। आर की वैल्यू जब निकाल ले आप लोग, तो आप कह रहे हो कि 12 का स्क्वायर बटे में कितना हो रहा है, 12 का स्क्वायर बटे में 100 हो रहा है, 12 का स्क्वायर बटे में कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, यानी 144 बटे में कितना होगा 100, आर की वैल्यू 144 बटे में कितना होगा मैं 100 हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगा 144 बटे में 100 हो जाएगा। हमने कहा कि दो वस्तु, तो एक लिए फार्मूला बता दे रहे हैं आपको, फार्मूला ध्यान रखिएगा, R बटे में 100 माइनस R, इसके लिए केवल टूटे टोटल इस क्वेश्चनों के लिए, बस इसको ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चनों के लिए इसको ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग। R की वैल्यू 144 बटे में कितना, 144 बटे में कितना है मेरे दोस्त, 100 है, डिवाइड बाय 100 माइनस 144 बटे में कितना होगा, 144 बटे में 100 हो जाएगा, गुणे टोटल अमाउंट कितना है, एक वस्तु का दाम 1232 रुपया है, तो दो वस्तु का दाम कितना होगा, 1232 गुणे दो, 1232 गुणे कितना भाई, दो वस्तु बेच रहा है ना हम, तो ये हो जाएगा 10044, 9856 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारी वैल्यू कितने, 100 से 100 काट देंगे, 144 बटे में हो जाएगी हमारी 9856 हो जाएगा, आगुणे हो जाए कितना हमारा 1224 कितना होगा, 2464 हो जाएगा, ये चार बार में कट जाएगा, चार से काटेंगे तो आ जाएगा 36, यानी आ जाए कितना आंसर हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनेंगे हमारे, जब इन तरह के प्रश्न बनते हैं तो इस पे ध्यान रखिएगा, आंसर कितना होगा हमारा, 36 हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, गोपाल ने एक सेल फोन खरीदा और 10% लाभ लेकर रमा को बेच दिया, बाद में रमा ने वापस गोपाल को 10% हानि उठा के बेचना चाहता है, यदि गोपाल तेरे सहमत है तो उसकी स्थिति क्या होगी, न तो लाभ न तो हानि। पहला ऑप्शन है बी 11%, सी 11%, आ जाओ, तो न तो लाभ न तो हानि, अगर बोला है गोपाल ने एक सेल फोन खरीदा और 10% लाभ पर बेचा, मान लीजिए गोपाल जो है वो, गोपाल की बात हम कर रहे हैं, गोपाल 100 रुपये में फ़ोन खरीदा होगा, गोपाल कितने में फ़ोन खरीदा होगा भाई, 100 रुपये में, और कह रहा है कि इसको हम बेचेंगे 10% लाभ लेके, किसको बेचेंगे 10% लाभ लेके, किसको बेचा, राम को बेच दिया, राम को इसने बेचा, तो राम को बेचा तो कितने में बेचा, 110 रुपये में बेचा। अब कह रहा है कि राम ने उसे वापस गोपाल को 10% हानि उठाकर बेचना चाहता है, जो राम है ना ये क्या कहना चाहता है भाई, 110 रुपया है और इस पे 10% हानि उठा के क्या करता है, गोपाल को बेच देता है। भाई राम का जो होगा वो कितना, 110 का 10% 11 हो जाएगा, 110 10 में कटाएंगे तो ये कितना होगा, 99 हो जाएगा, नहीं राम को कितना में बेच दिया, वो 99 में बेच दिया, तो स्थिति क्या होगी, तो आपको देख लीजिएगा स्थिति क्या होगी, गोपाल सहमत है तो उसकी स्थिति क्या होगी, ना तो लाभ होगी ना तो हानि होगी 11% का। तो आपको बता रहे हैं कि गोपाल 100 में खरीदा था, फिर इसको 99 में खरीदा, यानी गोपाल ने इसको कितना में बेचा था, 110 में बेचा था, और
गोपाल की स्थिति, गोपाल से सहमत तो उसकी स्थिति क्या होगी? तो गोपाल की स्थिति ये हो रही कि 100 में खरीदा था और उसको राम को बेचा 110 में, तो यहाँ से उसने 10 रुपया फ़ायदा ले लिया। कितना फ़ायदा ले लिया? फिर उसको खरीद लिया 99 रुपये में, यानी फिर 1 रुपया फ़ायदा ले लिया, यानी कुल मिला के 11%, यानी 100। दो ऑप्शन दे रखा मेरे दोस्त, गोपाल को फ़ायदा होगा, राम को क्या होगी? हानि होगी। गोपाल को क्या होगा? फ़ायदा होगा, 99 में खरीदेगा इसको, तो गोपाल को फ़ायदा होगा 11% का। दो ऑप्शन दिया तो इसमें 11% का फ़ायदा होगा, यानी दोनों ही 11% ही दिया है। कैसे 11% का फ़ायदा होगा? अब सोचो, आपके पास आपने किसी वस्तु को 100 में खरीदा, बात समझो, आपने उसको 110 में बेचा, तो यहाँ से कितने फ़ायदे आपको मिले? 10 रुपये का फ़ायदा मिला। और फिर उसी वस्तु को वापस आपने कितने में खरीद लिया? 99 रुपये में। फिर 1 रुपया यहाँ से फ़ायदा मिल गया आपको, यानी 10+1 कितना हो गया? 11 रुपया। यहाँ दो ऑप्शन दे दिया इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आ जाओ, कह रहा है अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला प्रश्न ये हमारा है जो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 25 आइटम की कीमत एक्स आइटम के बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। 25 आइटम की कीमत जो है एक्स आइटम बेचकर अर्जित की गई, तो मैं एक थोड़ा सा प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक जानते हैं। हमने कहा कि 20 वस्तुओं का क्रयमूल, 20 वस्तुओं का CP इक्वल टू 25 वस्तुओं का SP, यानी 20 वस्तुओं का क्रयमूल 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन मान लीजिए, हमने बोला कि 25 वस्तुओं का क्रयमूल बराबर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का सॉरी 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि सही है, कोई दिक्कत नहीं, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सेल प्राइस मैं लिख देता हूँ सेल प्राइस। थोड़ा सा प्रश्नों को देखिएगा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें दोनों में किसमें लाभ हो रहा है, किसमें हानि हो रहा है, दोनों में किसमें लाभ हो रहा है, किसमें हानि हो रहा है? तो देखिएगा, जब आप मार्केट जाते हो तो एक जो पैसा है आपका, टोटल अमाउंट है जो आपका टोटल बजट हो, नियत है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए 100 रुपये में, कितने रुपये में? 100 रुपये में 20 वस्तु खरीदा, तो एक वस्तु का सेल प्राइस कितना होगा? एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100 मान रहे हो तो, और एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा हमारा 100 बटे में 20, यानी एक वस्तु को आपने कितने में खरीदा? 5 रुपये में, कोई दिक्कत। हमने कहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? एक वस्तु का सेल प्राइस कितना हो जाएगा? सेल प्राइस हो जाएगा 100 बटे में 25, क्योंकि ये जो 100 है ना वो नियत है, 100 बटे में 25, ये कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। अब सोचो कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, जब ऐसे कंडीशन में आते हैं तो 5 में आपने खरीदा, 4 में बेचा आपने, तो हमको क्या हुआ? हानि हुआ ना। जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, हमने कहा एक वस्तु का CP, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, एक वस्तु का जो CP होगा, क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 100 बटे में 25 होगा, यानी हो जाएगा 4। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 4। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 माने तो एक वस्तु का जो सेल प्राइस होगा वो कितना होगा? 100 बटे में 20, यानी यहाँ से स्पष्ट हो जा रहा है 5, यानी एक वस्तु को 4 में खरीद रहे हो और 5 में क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ऐसे प्रश्न मिलते हैं और लाभ की बात करता है, लाभ कितना हुआ? 25%। लाभ की बात करता है तो जब लाभ की बात करेगा तो जाहिर सी बात है वस्तुओं का क्रय ज़्यादा होगा, विक्रय कम होगा। अगर मान लो कि आप मार्केट जाते हैं, आप देख रहे हो पेन, अगर 100 रुपये में आपने 20 पेन खरीद के लाया, कितना लाया? 20 पेन खरीद के लाया। अगर आपने 100 रुपये में 20 पेन खरीद के लाया और आप जब आए तो जब ऐसे ऐसे 25 पेन बेचा तो आपको कितना मिला? 100 रुपये मिला,
इसका मतलब 5 फेन की हानि हुई, यानी 20 वस्तुओं का क्रयमूल्य 25 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है, यानी 20 वस्तुओं को जितने में खरीदा, 20 वस्तुओं को जितने में खरीदा उतने में मुझे कितना वस्तु बेचना पड़ा, 25 वस्तु बेचना पड़ा। इसका मतलब 5 वस्तु के हानि के बराबर, 5 वस्तु क्या हो गई, हानि हो गई। इसमें जो हानि का परसेंटेज होगा ये हो जाए 1/5, 1/5 गुणे कितना होगा 100, यानी कितना होगा 20%, कितना होगा 20%, यहाँ 20% आ गया। यहाँ जो हानि का लाभ का परसेंट हो जाएगा 1/2 कितना होगा 4 गुणे कितना होगा 100, यहाँ पे कितना आ गया 25%, कितना आ गया 25%। हमने कहा मान लीजिए जो डेटा हमारा है अगर थोड़ा बहुत दिक्कत ऐसा होता है कि डेटा ऐसा होता है कि कट ना पाए, 100 में भाग ना दे पाए, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंपल सा फंडा ही अपनाते हैं कि जब वस्तुओं का क्रय कम हो और विक्रय ज़्यादा हो, जब वस्तुओं का क्रय कम हो विक्रय ज़्यादा हो तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। जब वस्तुओं का क्रय ज़्यादा होगा विक्रय कम होगा तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा, हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। इन दोनों का अंतर घटाएंगे कितना मिलेगा 5, इन दोनों का अंतर घटाएंगे 5, और हमेशा वस्तु के विक्रय पे डील करते हैं। 5/ कितना 25 गुणे कितना होगा 100, हमने कहा 25 का कितना होगा 4/5 कितना होगा 20%, यहाँ से भी कितना आ गया 20%। यहाँ क्या होगा, इनको दोनों घटाएंगे कितना होगा 5, वस्तुओं का विक्रय कितना है मेरे दोस्त 4, 20 है, 20 गुणे कितना हो जाएगा 100, तो हमने कहा 20/5 कितना हो जाएगा 5, 25 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ गया 25। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे मिलेंगे, ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जब वस्तु का क्रय ज़्यादा हो विक्रय कम हो, क्रय ज़्यादा हो विक्रय कम हो तो लाभ होगा, क्रय ज़्यादा हो विक्रय कम हो तो क्या होगा, लाभ होगा, और क्रय कम हो विक्रय ज़्यादा हो तो हानि होगा, ऐसे कंडीशन में केवल। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम लोग क्या अपनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को करने के लिए हम लोग क्या बात इसमें क्या आजमाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स दिया हो, डेटा कोई दिया होता तो कोई बात ना होती, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो इस प्रश्न को कैसे हम लोग करते हैं। अच्छा भाई, हमने कहा यस कीमत 25 आइटम कीमत है, 25 वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर एक्स आइटम का, एक्स वस्तु का सेल प्राइस बराबर है, यही बोला है ना। तो लेन देन में 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ, लाभ होगा, जब लाभ होगा तो वस्तुओं का क्रय क्या होगा ज़्यादा, वस्तुओं का विक्रय क्या होगा कम होगा। अब इन दोनों को माइनस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, और माइनस कितना होगा एक्स, हम वस्तु का विक्रय हमेशा नीचे रखते हैं, एक्स बराबर लाभ कितना होगा 25/ कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, 25 का कितना होगा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 का 100 माइनस 4x बराबर कितना होगा एक्स हो जाएगा, ये होगा ना, हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 5x बराबर 100, तो हमने कहा एक्स बराबर कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 20 हो जाएगा। चलिए आइए प्रश्न बात करते हैं, अगला प्रश्न है, वही सेम प्रश्न आ गया मेरे दोस्त, वही सेम प्रश्न आ गया, बस यहाँ डेट आ गया, कह रहा है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, कह रहा है 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, यही क्वेश्चन है कैसा, हमेशा विक्रय मूल्य पर डील करते हैं, 12 वस्तु का क्या, 12 वस्तु का एसपी, अब देखिए लाभ होगा यहाँ पे, आप 100 में कितनी वस्तु खरीद के लाएँ, आप सोचो कि आप मार्केट का बिजनेसमैन हो, आप 100 रुपये जब दिए तो आपको कितने वस्तु मिला 15, आप जब 100 रुपये लिए तो कितना वस्तु बेचे 12, तो आपको 3 वस्तु लाभ मिल रहा है, इनका अंतर कितना होगा मेरे दोस्त 3 हो जाएगा, 3/ कितना होगा, हमेशा विक्रय रखते हैं, 3/12 अगुणे कितना होगा 100, तो 3×12 हो जाएगा, ये कितना होगा 25%, कितना होगा, सिंपल सी कहानी है 25%। इस क्वेश्चन बहुत बच्चे 20% मारते हैं लेकिन 25% होगा, बच्चे क्या करते हैं अंतर निकाल लेते हैं, अंतर 3/3 क्या कर देते हैं 15 गुणे कितना कर देते हैं 100 कर देते हैं, 3/5 कितना होगा 15, और हमने कहा कि ऑप्शन भी दिया होता है, ऑप्शन भी 20% दिया होता है, लेकिन जो ये क्या है ये प्रक्रिया गलत है आपकी, ये वाली प्रक्रिया क्या है गलत है, ऑप्शन कितना होगा 25%। आ जाओ अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूजा 20% लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है, यदि वो घड़ी का 10% कम पर खरीदी और 30 रुपये कम पर बेची और 20% लाभ हुआ तो घड़ी का मूल्य, कंडीशन वाला क्वेश्चन है मेरे भाई,
ये SSC CGL 2014 मेंस में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? SSC CGL 2014 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं बता दूँ आपको, पूजा का जो अंकित मूल्य होता है, मान लो कि हमने कहा क्रेमुल मान लेते हैं कितना रुपये, 100 रुपया, और कह रहा है कि इतने में 20% लाभ पर एक घड़ी को बेचना चाहती है। अगर 20% लाभ पर बेचना चाहती है तो हमने कहा 20% लाभ पर बेचा तो कितना, 120, इसकी सेलिंग प्राइस हो गई 120। बात को समझिएगा, कह रहा है उसने 10% कम में खरीदी, 10% कम में खरीदी है मतलब कंडीशन लागू हो गया, यानी कितने में खरीदी है, 90 में खरीदी है, कंडीशन लागे। यदि वह घड़ी 10% कम में खरीदी, यानी कंडीशन लागे, 30 रुपया कम में बेची, 30 में कम में बेची, तो कितने का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, तो 90 का 20% 18 हो जाएगा, 90 में से 18 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ये अपना सेल प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक शब्द लगा हुआ, 30 रुपया कम में बेची, 30 में कम में बेची, तो ए वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू से कम आएगी। अगर वहाँ भी कम है और ये ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। वहाँ ज़्यादा है कम आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। यहाँ वहाँ कम है तो ये भी वैल्यू कम आनी चाहिए। वहाँ अगर कम में बोला है, 30 रुपये कम में बेचा, तो ये वैल्यू कम आना चाहिए। इन दोनों का अंतर कितना मेरे भाई, 12। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे, कितना रुपया, 30 रुपया। हमने कहा 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, ये 7 दशमलव कितना होगा, 5, 25 से गुणा कर देंगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% होगा 25 पचे 125 हो जाएगा, 25 पचे कितना होगा, 125 हो जाएगा, 25 सत्य कितना होगा, 175 175, और 12 कितना हो जाएगा भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कम में खरीदा 30 रुपये कम में बेचा तो उसे 20% लाभ हुआ, 20 18 108 सही है, तो आ जाए कितना, 25 सत्य कितना होता है, 175 होता है, 175 75 85 187 187, एक भाई 187.5 रुपया होगा मेरे दोस्त। पूजा 20% लाभ पर घड़ी बेचना चाहती है, यदि वह उसने वो घड़ी 10% कम में खरीदा, 30 रुपये कम पर बेची, तो उसे 20% का लाभ हुआ, घड़ी का मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य कितना होगा मेरे भाई, यही होगा यार, 187.5 ही होगा घड़ी की लागत मूल्य। एक बार और देख लिया जाता है इसको, पूजा 20% लाभ पर घड़ी बेचना चाहती है, 20% मतलब क्रैमुल 100 मान लेते हैं, तो 20% लाभ बेचना, 120 से बेचना चाहती है, कह रहा है कि उसने 10% कम में खरीदी तो मतलब 90 में खरीदी है, उसने 30 रुपये कम पर बेची तो 20% का अभिलाभ हुआ, 30% कम में बेची, 30 रुपये कम में बेची, 20% का क्या हुआ, अभिलाभ हुआ, घड़ी का मूल्य क्या होगा, हम 20% 18 हो गया यानी 12 हो गया, 12 की वैल्यू 30 है, और 3 से काटेंगे, सॉरी यार हमने यहाँ कैलकुलेशन ही गलत किया हुआ है यार, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, 3 से काटेंगे 4 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा ना मेरे दोस्त, 10 हो जाएगा, 25 से गुणा करेंगे तो ये 100% हो जाएगा, 25 से गुणा करेंगे 250 हो जाएगा ना मेरे भाई, 250 ऑप्शन कितना हो जाएगा, 250 ऑप्शन कौन सा घटी हुआ, कैलकुलेशन थोड़ा सा हो गया था क्या, आ जाइए एक प्रश्न आपका है, इस प्रश्न को आप करिएगा, एक प्रश्न आपका है SSC SBI PO 2015 में पूछा गया, कहाँ पूछा गया प्रश्न मेरे भाई, SBI PO 2015 में पूछा गया है, एक व्यक्ति एक मैच को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह मैच को क्रैमुल से 5% कम में खरीदा, 80 रुपये अधिक में बेचता है, 20%, सेम प्रश्न है, अभी 9 वाला जो प्रश्न कराया था वही सेम प्रश्न है, आपके लिए होमवर्क है और आप इस क्वेश्चन को करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, और सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।